गाइस ये कमेंट आप देख सकते हो मुझे वॉस्को ऐप पर जितने भी ट्यूटोरियल बनाए उस पर मुझे ये सारे कमेंट और इंस्टाग्राम पर भर भर के कमेंट आए कि भाई वीडियो एडिट तो हो जाता है वॉस्को ऐप पर फोटो और वीडियो सेव नहीं हो पाता है। तो आज का वीडियो इसी पर होने वाला है, आपको मैं वीडियो सेव करके बताऊंगा और फोटो भी सेव करके बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साहू एडिटिंग। तो मेरे भाई आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना यार। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, आपका भाई इसी जेन्युइन कंटेंट लाता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के और उसके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी तक मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ और फॉलो कर लो। और सो गाइस जैसे कि यार मैंने वॉस्को ऐप प्ले स्टोर से मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे कि मैंने एक मेरा फोटो सेलेक्ट कर लिया है, तो इसमें मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा रिटच कर लेता हूँ। ओके, तो रिटच करने के बाद ये बॉर्डर्स और HSL ये लॉक्ड है, तो मैं आपको बताऊँगा ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और सेव भी कैसे कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं रिटच कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि ये मैंने रिटच कर दिया और इसे ओके करने के बाद आप देख सकते हैं अनलॉक्ड HSL बाय बिकमिंग ए मेंबर्स। तो मेंबरशिप लेने पड़ेगी। ओके, तो हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपको 1 ईयर के आपको 1.67 $ आपको देने पड़ेंगे, तभी ये वर्क करेगा। तो इतने पैसे तो हम देने वाले हैं नहीं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो ये सेव नहीं हो रहा है। ओके, तो सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। इस वॉस्को ऐप को मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये अनइंस्टॉल हो गया मेरा प्ले स्टोर का। तो अब मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर पर, जिस वर्जन को मैंने डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं वो वर्ज़न आपको बता देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा सा मैंने रूट कर रखा है, इसलिए छोटा बता रहा है। तो ये 53.3 आपको MB का मिल जाता है ये वर्ज़न। तो ओके, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं ये इंस्टॉल हो जाने के बाद सो गाइस देख सकते हो जैसे कि इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस जैसे कि मेरा ये वर्ज़न मैंने इंस्टॉल हो चुका है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ओपन हो जाने के बाद मैं इसको आपको मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने लॉगिन कर लिया है अपने वॉस्को ऐप को। तो मैं इस प्लस वाले आइकन पर जाना होता हूँ और वॉस्को ऐप को एक्सेसरी को सारे ऑर्डर्स ऑल कर देता हूँ। ओके, तो मैं आपको ये फ़ोटो सेलेक्ट करके बताता हूँ मेरा फिर से। तो ओके हो गया। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको फिर से एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद तो आपको सेकंड वन वाले ऑप्शन पर जाना है। तो मैं इसे थोड़ा सा वो रिटच कर लेता हूँ। ओके, तो ये जैसे कि ये हो रहा है वेंटेज को मैं ओके तो जैसे कि ये स्लिप टोन पे मैं जाता हूँ, तो स्लिप टोन सारे वर्क कर रहे हैं। और अब मेन बात आती है बॉर्डर्स और HSL ये वर्क करता है या नहीं। तो बॉर्डर्स पे जाता हूँ, तो देख सकते हो यार ये काफ़ी तरह से वर्क कर रहा है। और HSL पर जाते हैं तो हम फेस के लिए रेड और ऑरेंज दोनों, ग्रीन और येल्लो, ब्लू को हम शर्ट चेंज करने के लिए कर लेते हैं। तो इसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा रिटच करके। ओके, तो इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ओके हो जा हो गया है। तो पहले वो ऊपर लॉगिन मांग रहा था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ सेव करके। तो ये पहले नेक्स्ट का ऑप्शन आप क्लिक कर रहे थे तो वर्क नहीं कर रहा था। ओके, तो इस पर मैं ओके कर लेता हूँ। ओके, तो ओके करने के बाद देख लीजिए सेव का ऑप्शन आ चुका है। आप ध्यान से देख लीजिए, कमेंट में आप लिखने लग जाओगे सेव नहीं हो रहा, तो सेव एंड पोस्ट। तो ये मेरा गैलरी में सेव हो गया है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, तो ये मेरा फ़ोटो सेव हो गया है गैलरी में से जाके आपको बता देता हूँ।
सो गाइस आप देख सकते हो मेरा गैलरी में फ़ोटो सेव हो चुका है, तो ये देख लीजिए मैंने, तो ये मेरा फ़ोटो गैलरी में आराम से सेव हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइस आपने देखा तो आप मैंने कैसे वीडियो सेव किया, तो अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको आई बटन में ये जाके वीडियो देख लेना है। अगर आप उसके आप इस्तेमाल करते हो तो आपको प्रो वर्जन मतलब पे मांगता है या उसके लिए पे करना पड़ता है तभी आपको वो यूज़ कर पाते हो, तो उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, अगर लॉगिन कर नहीं पा रहे हो तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, एक बार ये वर्जन डाउनलोड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, आपका वीडियो सेव होने लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।